नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। रामानंद सागर की रामायण के राम और लक्ष्मण को एक बिल्डर ने ठगी का शिकार बना लिया है। बिल्डर ने अभिनेता अरुण गोविल और सुनील लाहिड़ी को मुंबई के अंधेरी इलाके में सस्ते में घर देने का झांसा देकर पैसे वसूल लिए, लेकिन बुकिंग के 6 साल बाद भी घर नहीं दिया। यह हाल सिर्फ कलयुग के राम लक्ष्मण का नहीं है, बल्कि आज देश का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां बिल्डर ठगी के शिकार नहीं हुए होंगे। आज के इस खास कार्यक्रम में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खुद अरुण गोविल और सुनील लाहिड़ी जुड़ेंगे, मेरे साथ सुजाय कांतावाला मशहूर वकील थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ मेरे सहयोगी सिल्की सिंह भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे। उनके साथ कुछ लोग हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। रामानंद सागर के राम लक्ष्मण ने वानर सेना के साथ मिलकर बुराई के प्रतीक रावण पर विजय प्राप्त की। लेकिन रियल लाइफ में राम यानी अरुण गोविल और लक्ष्मण यानी सुनील लाहिड़ी को अलग लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यह लड़ाई एक आम हिंदुस्तानी की लड़ाई की तरह है, जिन्हें घर के सपने के नाम पर आसानी से ठगी का शिकार बना लिया जाता है। इन दोनों को भी मुंबई के एक बिल्डर ने घर का सपना दिखाकर 15-15 लाख रुपए ठग लिए। 6 साल पहले अरुण गोविल और सुनील लाहिड़ी ने मुंबई के अंधेरी इलाके में एक रियलिटी प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदा था। फाउंटेन स्क्वायर नाम के इस प्रोजेक्ट में प्लान के मुताबिक 39-39 मंजिला 2 टावर खड़े होने थे। इनमें 1, 2 और 3 BHK सहित कुल 419 फ्लैट बनाए जाने थे। इसमें अरुण गोविल और सुनील लाहिड़ी ने भी मार्च 2010 में फ्लैट बुक किए थे। जिस जगह पर हम खड़े हैं, दरअसल वो लैंड है जहां पर वो 39 फ्लोर्स की 2 बिल्डिंगें खड़ी होनी हैं। साल 2000 मार्च 2010 की बात है, तब ये बुकिंग करवाई गई थी दोनों की तरफ से। जो पोजीशन था वो 2013 में मिलना था, लेकिन आप देख सकते हैं 2016 चल रहा है, लगभग 6 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बिल्कुल ना के बराबर है। जो भी उस वक्त देना था वो दे दिया आपको, वो सारी चीजें हैं। मैटर इज नॉट दैट के व्हाट वाज द अमाउंट, द मैटर इज कि द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय द फ्लैट वाज पेड, अलॉटमेंट लेटर वाज गिवन, पोजेशन डेट वाज गिवन, शेड्यूल ऑफ पेमेंट वाज गिवन, एवरीथिंग वाज गिवन इन दैट राइट। और उस डेट तक मार्च 13 तक वहां कुछ नहीं हुआ था, आज भी वहां कुछ नहीं है, वहां प्रिंस भी नहीं है। तो वी फील मुंबई के शुभम बिल्डर और सोनाटा टावर्स के आजम खान और परवेज दमानिया ने जॉइंट वेंचर में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसका पोजीशन 2013 तक दिया जाना था, लेकिन अब तक एक भी फ्लोर खड़ा नहीं हुआ। अब अरुण गोविल और सुनील लाहिड़ी ने मुंबई पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी EOW में शिकायत दर्ज कराई है। सुनील और अरुण इसके अकेले शिकार नहीं है, बिल्डर ने करीब 100 ग्राहकों को चूना लगाया है। पीड़ित ग्राहकों ने हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। जब हमें लगा कि यार ये करस्पॉन्डेंस करते जा रहे, इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, वो हमें जैसे कैरेट लटका दिया जाता है ना, वैसे कैरेट लटका दी गई हमारे सामने और हम उसको मतलब कि उसी में हम बस इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो देन वी डिसाइडेड कि और भी कई लोग होंगे जिन्होंने हमारी तरह जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया होगा, तो अब हमने कहा ये हम बहुत ज्यादा हो गया है, लेट्स टेक सम सीरियस एक्शन अगेंस्ट दैट एंड दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू गो फॉर दिस एंड कंप्लेन टू पुलिस एंड ऑल दैट व्हिच इज द नॉर्मल प्रोसीजर जो है। जी मीडिया शुभम बिल्डर का पक्ष जानने के लिए बोरीवली में उनके रजिस्टर्ड ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि बिल्डर करीब 4-5 महीने पहले ही यह ऑफिस खाली कर चुका है। हालांकि अरुण गोविल और सुनील लाहिड़ी को हाईकोर्ट से थोड़ी राहत जरूर मिली है। हाईकोर्ट ने प्लॉट की जमीन को कब्जे में लेकर कोर्ट रिसीवर को नियुक्त कर दिया है, लेकिन रामायण में अपनी भूमिका के जरिए करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले राम लक्ष्मण भी धोखाधड़ी का शिकार होने से नहीं बच सके। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। तो रामायण का अगर रेफरेंस ले तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है रामायण, और किस तरह से भगवान राम और लक्ष्मण ने रावण का अंत किया था, लेकिन
वो बुराई कहीं ना कहीं रियल लाइफ में ज्यादा हावी दिख रही है। हम बात अरुण गोविल और सुनील लाहिड़ी की कर रहे हैं। अरुण गोविल और सुनील लाहिड़ी जिन्होंने 2010 में फ्लैट बुक कराया हमारे साथ है और उनको अभी तक पोजीशन नहीं मिला। मेरे साथ सुजाय कांतावाला एडवोकेट भी है और सुल्की सिंह भी है मेरी सहयोगी। लेकिन अरुण गोविल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अरुण गोविल साहब, फ्लैट कब बुक किया था आपने? ये हमने फ्लैट बुक किया था मई 2010 में और दिस इज द प्लेस, ये ओशिवारा के अंदर आना चाहिए मेरा ख्याल। ओशिवारा पुलिस स्टेशन जो है उसके पीछे जो मेन रोड जाती है वहां पर ये जगह थी, वहां बुक किया था हम लोगों ने मई 2010 में। और उसके बाद आज तक वहां कुछ भी नहीं हुआ, मतलब प्लिंथ भी नहीं पड़ी है। आज 6 साल हो गए हैं सर। तो बुकिंग के बाद से अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है और फ्लैट लेने के लिए अभी तक आपने क्या किया, इसके बारे में कुछ बताइए। उस वक्त दिस फ्लैट एक्चुअली ये मेरे बेटे ने और मेरी पत्नी ने बुक किया था। तो मेरे बेटे का करियर उस वक्त शुरू हो रहा था। तो वट एवर जो भी अमाउंट था वहां पर जो अलॉटमेंट के लिए जरूरी था वो उन्होंने लिया हमसे और अलॉटमेंट का लेटर हमें दिया था उन्होंने, बकायदा एवरीथिंग इज इन प्रॉपर राइटिंग। और उसके बाद ये भी था कि जब इतनी बिल्डिंग्स की इतने फ्लोर्स बन जाएंगे तो इतना इंस्टॉलमेंट जिसे आप कहते हैं वो उस तरह से पेमेंट हमें करना था। तो सारी चीजें राइटिंग में आई थी बिल्कुल, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं। शुरू में उन्होंने कहा कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस में कुछ प्रॉब्लम्स हमको आ रही हैं। तो अंडरस्टैंडेबल है कि आती हैं, आई होंगी शायद या नहीं भी आई होंगी, यू नेवर नो नाउ। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हमारे सब फाइल हमारी क्लियर हो गई, अब हम शुरू करेंगे जल्दी। लेकिन इट नेवर टुक ऑफ बेसिकली। फिर जब 2013 की बात हो गई तो फिर उस समय हम ये हुआ कि अगर ये नहीं बना रहे तो हमारे पैसे आप वापस कर दीजिए इंटरेस्ट के साथ जो भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो सब भी राइटिंग में उसका मतलब पेपर्स पे है वो सारी बात, वो भी हुआ। पर उसके बाद वो फिर उससे भी नहीं मुकर गए वो। फिर उसके बाद हमें हम काफी वेट कर चुके थे इस बात को लेकर, तो हमें लगा कि नहीं अब हमें थोड़ा सा एक्टिव रोल जो है वो इसमें करना चाहिए। मतलब हम उनकी ईमानदारी पे हमें कोई हमको शक नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। तो उसके बाद हमने जब इस सोचा कि अब हमें लॉ का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, मतलब आपने 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 सोचा, आपने कब सोचा? हमें पता लगा कि उन्होंने करीब करीब उस प्रोजेक्ट में 400 कुछ एन ऑड नंबर था जो फ्लैट उन्होंने ऑलरेडी। तो आपने कब सोचा सर कि कोर्ट जाना है और अब सब मेंबर्स को सबको मिलकर कोर्ट जाना है? पर सुनील लाहिड़ी भी है, उनसे उनसे भी पूछूंगा मैं सवाल, लेकिन पहले सवाल आपसे। नहीं, हमें हमने जो जो हम लोग हैं वो गिनती तो मुझे नहीं पता, 100 या 150 जो लोग थे उन्होंने कब लिया था ये, लेकिन हम लोग 30 जो एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, मतलब हम लोगों ने 30-32 लोगों ने फिर डिसाइडेड कि नहीं हमें हमें अभी हमें कुछ करना चाहिए बेसिकली। तो हम लोगों ने करीब करीब ये समझिए करीब करीब 6-8 महीने से ही हम एक्टिव हुए थे बेसिकली। और अभी हमारे सब लोग तो एक साथ नहीं कर सकते, तो हमारे एक हमने एक व्यक्ति को अपना एक वो बनाया लीडर, सो दैट ही कुड अटेंड डे टू डे काइंड ऑफ थिंग, यू नो। सो हिज नेम इज दिनेश रायतानी, उन्होंने भी एक फ्लैट बुक किया था उसमें। तो वो भी सताए हुए थे बिल्डर के, तो वो उसको लीड कर रहे हैं और अब नाउ वी आर क्वाइट एक्टिव फॉर दैट मैटर। ओके सर, आप रहिए मेरे साथ। सुनील लाहिड़ी भी है और लाहिड़ी साहब ऑन अ लाइटर नोट, कलयुग में राम नहीं बचे सर, क्या कहेंगे इस पर? भाई देखिए, जो गलत है वो गलत है और गलत ये भी देखते हैं कि किसके साथ किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अगर किसी का इंटेंशन गलत करने का था तो उन्होंने गलत किया है। ठीक है, आप रहिए मजाक सुजाय कांता वाला है। सुजाय, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले सुल्की आपके पास आऊंगा। सुल्की, आपके साथ कुछ लोग हैं, ये तो एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है और राम लक्ष्मण के नाम से घर घर में इनको पहचाना जाता है, ठीक है वो बात, और आज उनके साथ ठगी हुई है तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया उस चीज को देख रही है। लेकिन सुल्की, ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूरे देश में जिनके साथ बिल्डर ऐसी ठगी करते हैं, आपके साथ भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछिए क्या उनको लगता है कि बिल्डर्स की ऐसी करतूतों पर कभी लगाम लगेगी या नहीं? जी जरूर, मैं इस वक्त अंधेरी के उसी प्लॉट में खड़ी हूँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। शुभम बिल्डर्स थे जिन्हें
2013 तक ही इस फ्लैट का पोजेशन देना था और आज भी यहाँ पे जो विक्टिम्स हैं जो जिन्होंने अपनी फ्लैट बुक की थी उन्हें उनका पोजेशन नहीं मिला है, ना ही उन्हें उनके पैसे वापस मिले हैं। हमारे साथ मिस्टर शर्मा है, आइए इनसे बात करते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ये जो फ्रॉड केसेस होते हैं इस पे कहीं ना कहीं लगाम लगाया जा सकता है, सरकार की तरफ से कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत की कमाई से ये सारा पैसा इकट्ठा करके उन लोगों को देते हैं और उन पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि हाँ भाई ये हम लोगों को बोला है कि 2013 तक देना, तो इट मीन्स 2013 तक तो नहीं, चलो 2014 तक ही हम लोगों को दे देते, पर उसमें कुछ भी नहीं। जब भी हम लोग उनके पास जाते थे वो ही हम लोगों को यही एक बात बोल देते थे कि हाँ बस बन रहा है, बस खड्डा खोदा हुआ है, बस ऊपर जाने वाला ही है, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा आपका काम। अब ये सोचिए, एक स्वतंत्र देश में रहते हैं हम लोग और हमारे साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी हो रहा है, इसके लिए कुछ सख्त एक्शन लिया जाए उनके खिलाफ में। जब आप जाते थे बिल्डर्स के पास और जब वो आप उनसे पूछते थे कि आपका ये पोजेशन या फ्लैट पे कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ है, तो क्या जवाब देते थे वो? वो ये हम लोगों को बोलते थे कि कॉर्पोरेशन की तरफ से हम लोगों को कुछ परमिशंस हैं, हमारी 40 मरले की बिल्डिंग है, उसकी वजह से हम लोगों को जो परमिशंस हैं वो लेट मिल रही हैं। तो हमने बोला, हम लोग भी समझ रहे थे कि हाँ कि हो सकता है ऐसा ही हो, क्योंकि हम लोग नहीं जानते थे कि हमारे साथ इतना बड़ा चीटिंग का खेल खेला जा रहा है। तो हम लोगों ने जब फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया तो हम लोगों के साथ फिर सब लोग मिलकर हम लोगों ने सोचा कि इसके खिलाफ हम लोग एक एक्शन लें और उनके खिलाफ हमारी सब सरकार से भी ये दरखास्त है कि हमारे साथ ये इंसाफ किया जाए कि हमारी जितने भी हमारा जो इन्होंने हमारे साथ प्रॉमिसेस किए हैं कि हम लोग आपको फ्लैट देंगे, तो हम लोगों को फ्लैट ही चाहिए और हम लोगों को घर चाहिए। ठीक है जी, ठीक है सिल्की, रहिए मेरे साथ, आप साफ बात है और बिल्कुल वाजिब बात कह रही हैं। जब उन्होंने पैसे दिए और जब बिल्डर ने वादा किया तो बिल्कुल उनको फ्लैट मिलना चाहिए और बिल्डर ऐसा नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। सुजाय कांतावाला मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुजाय, आप कानून की बारीकियों को समझते हैं, इस पूरे केस को समझ के आपका देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है और इस पूरे केस में बिल्डर के खिलाफ क्या कुछ हो सकता है? नहीं, बहुत सही हुआ है और हम देख रहे हैं आजकल के बिल्डर्स अरेस्ट भी हो रहे हैं, उनको पुलिस कस्टडी मिल रही है, बाद में जुडिशियल कस्टडी जो भी है, लेकिन अरेस्ट होने के बाद जो उनको बदनामी होती है वो बहुत जरूरी है, वो जो एक्सपोज हो जाते हैं बहुत जरूरी है पूरे पब्लिक के सामने, और ये उनको पनिशमेंट होनी चाहिए। मेरे हिसाब से चार्जशीट भी जल्दी फाइल हो जानी चाहिए और उनको इंप्रिजनमेंट होनी चाहिए, क्योंकि घर एक सपना है। कोई अपना इन्वेस्ट करके, कोई बैंक लोन लेके, प्राइवेट लोन लेके जब घर लेता है तो अपने सपना बनाता है उधर, और वो सपना अगर चीटिंग करके वो सपना उससे छीन लिया जाए, उसको बेवकूफ बना के, तो द बिल्डर हैज टू पे। आप तो ये भी केसेस देखिए, बिल्डर फॉल्टी बिल्डिंग्स बना रहे हैं आजकल, अभी देखिए पूना में भी हुआ जहां बिल्डिंग गिर गई, लोग मर गए, तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसे बेचारे इनोसेंट लोग फंसे नहीं। नहीं, एक चीज इस केस में थोड़ी सी अलग है सुजाय, मैं चाहता हूं कि आप उस पर भी बोले। सुजाय, जो 40s में या 50s में की एज में इस वक्त इस देश में है वो सब राम लक्ष्मण और रामानंद सागर की रामायण को जानते हैं और उनको देखा होगा, क्योंकि एक वक्त था जब रामायण जब चलती थी तो सड़कें खाली हो जाती थी। ऐसी पर्सनैलिटीज को ठगने से पहले भी बिल्डर के मन में डर नहीं आया कि यार इनको ठगूंगा और ये न्यूज बनेगी और फिर हम लोगों के सामने एक्सपोज होंगे? देखिए, जब इंटेंशन टू चीट है और इंटेंशन पहले से ही था प्रोजेक्ट लॉन्च करने के टाइम कि मैं लोगों को ठगूंगा, तो बिल्डर ये नहीं देखता है कि मेरे सामने मिस्टर कोविल है या मिस्टर वाई एक्स वाई जेड है, उसको तो लोगों को ठगना है। और आजकल तो क्या, बिल्डर डायरेक्टली भी नहीं मिलता है, उसके एजेंट्स घूमते रहते हैं जहां पे वो लोगों को ठगते हैं, तो शायद बिल्डर को पता भी ना हो कि इतनी बड़ी हस्तियां मेरे सामने हैं। और ये मिस्टर कोविल का केस एक है, आप देखिए ऑर्बिट कॉर्पोरेशन के मिस्टर पुजीत अग्रवाल के ऊपर कितने केसेस हो गए, वो तो अमाउंट बहुत ज्यादा करोड़ों में, 50-50 करोड़ के लोगों को ठगे उन्होंने, तो उसमें डबल सेलिंग किया है, एक का माल दूसरे को बेचा है। अभी ऐसे अगर आउटराइट चीटिंग के केसेस है तो इंटेंशन टू चीट पहले से ही था, तो बिल्डर के पास कोई इसमें सफाई नहीं। 40 माले की बिल्डिंग आपको मालूम होगा, 150 लोगों तो यहाँ पे इन्होंने भी ठग रखा है। खैर, और उसमें बेचारे राम लक्ष्मण भी मारे गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं सुजाय कांतावाला साहब, एक तुरंत लौटते हैं और अपने सामानों से बात करेंगे इस बारे में कि आगे क्या हो सकता है। आप रहिए हमारे साथ।
बोलेरो इस अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निभा रहा है। ब्राह्मी, आंवला, भृंगराज, घृत कुमारी, जटामासी, मेहंदी व नाग केशर आदि बेशकीमती 21 जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति तेल बट नेचुरल शैम्पू, एलोवेरा शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू और मिल्क प्रोटीन शैम्पू, जो बनाए आपके बालों को जड़ों से मजबूत, हेयर फॉल और डैंड्रफ आदि प्रॉब्लम से रखे दूर। अभी भी यही वाला हनी? वो नया कम प्राइस वाला क्यों नहीं? उसमें सस्ते की शॉर्टी तो है, पर क्या हनी की प्योरिटी भी है? सारे हनी लगते एक जैसे हैं, पर होते नहीं। कुछ हनी में चीनी की मिलावट हो सकती है। डाबर हनी मतलब प्योरिटी गारंटीड। सेलिब्रेटिंग 30 इयर्स ऑफ गुड हेल्थ, अब 250 ग्राम हनी के साथ 50 ग्राम फ्री। एम्बिशन तो है, बट प्लान नहीं। छुड़ा हुआ था मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग, सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ मेरे शो में, मैं आपको बताऊं। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार शाम 7 बजे और रविवार सुबह 11 बजे। That fuels fire, dimensions that change nothing, and a heart that becomes you. Zignition, unconditionally auto. Saturday 10 p.m., Sunday 6:30 p.m., only on Z Business. देवर भाई, अंदाज में आप बताइए, आप हराने की बात है, आप जैसी शख्सियत कानून तक नहीं जानती। राजनीति का सवाल नया है, आपको किसने अधिकार दिया देश विरोधी के बचाव का? जवाब आपको देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा, नजरिया नया है। कोई देश को धोखा देगा और उसे आसानी से विदेश जाने दिया जाएगा? आपके स्टेट में मामला हो रहा है और आप जानते तक नहीं। देखिए डिबेट का नंबर वन शो, बिग स्टोरी बिग डिबेट, गौरव अग्रवाल के साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ जी बिजनेस पर। प्लान्स तो बहुत हैं, बस हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार शाम 7 बजे और रविवार सुबह 11 बजे। रामानंद सागर की रामायण के सिर्फ राम लक्ष्मण ही नहीं, बल्कि मुंबई में आज भी लाखों लोग बिल्डर्स के झूठे वादों के चक्कर में फंसे हुए हैं। कई सरकारी मंजूरियों में देरी का बहाना है तो कई फंड की कमी की किल्लत। मुंबई के मुनूर इलाके में ये एरिस्टो हेवेंस प्रोजेक्ट है। 2006 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, लेकिन जंगल की जमीन घोषित हो जाने से प्रोजेक्ट 8 साल तक लटका रहा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में बिल्डर ने केस जीता, ग्राहकों से नए सिरे से प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की बात कही, लेकिन अब तक ये प्रोजेक्ट में खास तरक्की नहीं हो पाई है। इस प्रोजेक्ट में करीब 200 लोगों ने बुकिंग कराई थी। डीबी रियल्टी के एक प्रोजेक्ट डीबी ओजोन का भी यही हाल है। मीरा रोड भिंसर के बीच इस प्रोजेक्ट पर भी 2008-09 में काम शुरू किया गया था। करीब 3000 ग्राहकों ने बुकिंग की थी। ग्राहकों को 2012 में पोजीशन देने का वादा किया गया था। 4 साल की देरी के बाद भी प्रोजेक्ट में पोजीशन नहीं मिला। बिल्डर की ओर से ग्राहकों को पोजीशन की नई नई तारीख बताई जा रही है।
लोधा के अंधेरी एटर्निस प्रोजेक्ट में भी ग्राहकों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। 2010 में बिल्डर ने प्रोजेक्ट में बुकिंग ली थी। ग्राहकों को 2013 में फ्लैट बनाकर दिया जाना था। बिल्डर ने ग्राहकों को बताया कि प्रोजेक्ट पर अवैध कब्जे की वजह से कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो पाया। कोर्ट से केस जीतने के बाद प्रोजेक्ट को नए सिरे से शुरू किया गया है। अक्सर देरी वाले प्रोजेक्ट में नुकसान ग्राहकों का ही होता है, क्योंकि बिल्डर पुराने एग्रीमेंट वैल्यू पर फ्लैट देने को तैयार नहीं होते। ग्राहकों से पुराने के बजाय नए मार्केट रेट पर एग्रीमेंट करने को कहा जाता है। बुकिंग रद्द करने पर ग्राहकों को मूल रकम पर 9 से 15% हिसाब से ब्याज का ऑफर आता है, लेकिन ब्याज की रकम के मुकाबले प्रॉपर्टी की कीमत कई गुना बढ़ चुकी होती है। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर जो प्लॉट दिया जाना था जहां पर बिल्डिंग बनाकर वहां पर मेरे सहयोगी सिल्की इस वक्त मौजूद है और काफी लोग उनके साथ हैं। सिल्की, जरा जल्दी से दूसरे लोगों से भी पूछिए उनका क्या कहना है या उनके साथ किस तरह से धोखाधड़ी हुई, बिल्डर ने कैसे उनके साथ धोखाधड़ी की। जी गौरव, यहाँ पे कुछ लोग और जुड़े हैं मेरे साथ, उनसे भी पूछ लेते हैं कि किस तरह के रिस्पॉन्सेज मिले जब आपने क्वेरी की कि काफी टाइम हो गया है कंस्ट्रक्शन का, कोई भी काम शुरू नहीं हो पाया है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रिस्पॉन्स दिया जाता था आपको जब आप जाते थे बिल्डर से इसकी इंक्वायरी करने की कब तक आपका फ्लैट मिलेगा। मैडम, ये जब हम इसके ऑफिस में जाते थे जो उनके बिल्डर के जो लड़के हैं अर्पित, वो सबको बिठाकर इतनी अच्छी तरह से बात करते थे और हमको समझा बुझा के भेज देते थे हर टाइम कि भाई अभी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कंप्यूटर से ये बता देते कि ये साइट पे देखिए अब ये प्रॉब्लम है, ऐसे करके सबको समझा कि हम लोग बस उम्मीद पे 6 से 7 साल हो गए हम लोग उसी उम्मीद पे बैठे हैं और किराए पे रह रहे हैं अभी तक के, और अभी तक कुछ बना नहीं है बिल्डिंग। अच्छा, आपने जब ये फ्लैट की बुकिंग की थी तो आपको कुछ एडवांस में भी रकम पे करने को बोला गया था, किसी तरह का पेमेंट आपने किया? हाँ, कुछ हम लोगों ने पहले पेमेंट उनका किया था और उन्होंने बोला कि आपको ये इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा एकदम से पैसे, तो ये हम लोग के लिए भी कन्वीनियंट था कि हमको इकट्ठा पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी करते हैं तो अपने बच्चों के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते कि हमारे बच्चों की एजुकेशन आगे जाके इतनी महंगाई हो रही है। ठीक है, मतलब दिल्ली हो, मुंबई हो या देश का कोई इलाका, बिल्डर्स की धोखाधड़ी हर जगह एक जैसी ही दिख रही है। आप रहिए सिल्की मेरे साथ, मेरे साथ अरुण गोविल भी जुड़े हुए हैं जिनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। अरुण गोविल जी, आपको क्या उम्मीद है कि प्रोजेक्ट के लिए कोर्ट किसी और बिल्डर को इस काम में लगा सकता है या कैसे आप लोगों को जस्टिस मिलेगा? अगर कोई और प्रोजेक्ट इस पूरे प्रोजेक्ट को कोई लेता है तो वो ऑफर कर सकता है कि भाई ठीक है, आप ये इतने आपने फ्लैट बुक किया था इतना और ये है आज का ये कंसेशन होता है इसका, अगर आप निकलना चाहें तो निकल जाइए इसमें से, और अदरवाइज ये है कि आप रहना चाहें तो आप जरूर रहिए। और बिल्डर की बात करें सर, बिल्डर की बात करें, बिल्डर जो अभी मौजूदा बिल्डर है उसकी तरफ से आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं? नहीं, उसमें से जो ऐसा सुना जाता है कि जो मेन शुभ बिल्डर्स और सोनाटा रियलिटी, ये दो इनका ज्वाइंट वेंचर था ये, तो मैंने तो हम लोगों ने ये सुना है कि सोनाटा के जो है मिस्टर आजम खान ही इज इनसाइड, और जो शुभ बिल्डर्स के मेन व्यक्ति हैं जीटी सोमानी, वो भी कुछ और केसेस में वो भी ही इज ऑल्सो इनसाइड, और रिसेंटली पुलिस हैड ट्रेडेड टू अरेस्ट मिस्टर अर्पित सोमानी, जीटी सोमानी सन, बट ही वाज नॉट फाउंड। ओके, दिस इज द सिचुएशन ऑफ टुडे। ठीक है सर, मेरे साथ सुजाय कांतावाला है। सुजाय कांतावाला, तो आपको लगता है इस पूरे केस में केवल यही लोग नहीं, काफी लोग हैं, तो एक स्ट्रांग केस बनता है और इनको कोर्ट से जस्टिस मिलेगा? हंड्रेड परसेंट मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी में इनको पूरा बंद ही कर देना चाहिए, इनको बेल ही नहीं मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। जो लोग इंटेंशन टू चीट पहले से ही था, जो लोग ठगते हैं दूसरे को, इनोसेंट लोगों को, उनको बेवकूफ बनाते हैं, उनको बुला बुला के उनको समझाते हैं, जैसे इन्होंने एक क्लाइंट ने कहा कि उनके लड़के उनको बुलाते थे, मीठी मीठी बातें करते थे, चाय कॉफी पिला के भेज देते थे, मतलब आपको पूरा इंटेंशन था, आप बार बार चीट कर रहे हो किसी को, और एक आदमी को नहीं, पूरे आपके जो परचेजर्स है, आपके क्लाइंट्स है जो आपको भरोसा करते हैं, आप उनको अगर चीट करते हो तो कानून आपको बख्शेगा नहीं, इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी में इनको 1 साल तक अंदर ठोक देना चाहिए। ओके, शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे से जुड़ने के लिए। तो
राम लक्ष्मण बिल्डर ने ठगे राम लक्ष्मण, मतलब कहने का मतलब यह था कि वो लोग जो राम लक्ष्मण के नाम से पूरे देश में जाने जाते हैं उनको ठगा बिल्डर ने। सोचिए कौन बचता है फिर ठगे जाने से। जरूरत है कड़ी कार्रवाई की ताकि यहां पर एक मैसेज जा सके बिल्डर्स को। देखते हैं इस मामले में कार्रवाई कब तक होगी, और होगी तो आपको हम रिपोर्ट जरूर करेंगे। फिलहाल हमारे साथ नमस्कार।